हेलो स्टूडेंट, अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि परचेज बुक कॉलमर कैसे बनती है और उससे लेजर कैसे बनते हैं। तो राजी, ये कॉलमर परचेज बुक का स्ट्रक्चर है जिसमें डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, LF, डिटेल। डिटेल के बाद में राजी आपने कॉलम बनाना है कॉस्ट वाला। इसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। तो अगर आपको ये तीनों तरह के टैक्स लगे हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन है, तो आपको तीनों कॉलम ये बनाने पड़ेंगे, राइट? तो अभी राजी आपा ने डिस्कस करनी है एग्जांपल नंबर 12। तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ स्टेशन नंबर 12। आप सभी ने घर पे स्टेशन 12 की स्टेटमेंट और इसका सोल्यूशन नोट करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 के साथ में राजी इसकी फॉलोअप 12 है, ये भी आपने सेल्फ करनी है, स्टेटमेंट भी लिखनी है। इसके सोल्यूशन में कोई दिक्कत आए तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करना है। तो एग्जांपल 12 में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ होनेस्ट ट्रेडर। तो राजे आपका ये जो ऑनर है, ऑनर का नाम है होनेस्ट ट्रेडर, होनेस्ट ट्रेडर। तो आप होनेस्ट ट्रेडर की परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितनी भी परचेज है, ऑल परचेज मेड एट 6% CGST एंड 6% SGST। तो आपको दो तरह के टैक्स भी लगे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो राजे हमारे पास ईयर है 2019 का, ईयर है 2019 का और हमारे पास मंथ है जैन का, जैन का मंथ है। तो मेरे पास पहली ट्रांजैक्शन जैन 14 को है। 14 को राजे आपने हीरो ब्रॉस जो कि शिमला का है उसको गुड्स रिटर्न की है। तो हीरो ब्रॉस जो कि शिमला का है, आपका जो सप्लायर है उसका नेम है हीरो ब्रॉस और वो शिमला से है। आपने इसको 10 शर्ट्स जो कि 700 की ईच है, आपने इसको 10 शर्ट्स जो कि 700 की एक है, आपने इसको ये सामान रिटर्न किया है। तो 10 को 700 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7000 का अमाउंट यू विल पुट इन डिटेल कॉलम। इसके बाद आपने 5 नाइट सूट आपने ये रिटर्न किए हैं और पर पीस का रेट है 500। तो जब आप 5 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आने वाला है 2500, राइट? अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो पहले आप इसको ऐड कीजिए 9500। आप राजे इसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देनी है। आप जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, और राजे इसमें दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास 20%, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास 20% है, तो 20% आपने लेस करना है। तो जो 20% राजे वो आने वाला है 1900 आ गया ट्रेड डिस्काउंट। आप 1900 को 9500 में से जब माइनस करोगे तो आपके पास 7600 का अमाउंट आ जाना है, राइट? अब ये जो 7600 का अमाउंट आया इसको राजे आपने कॉस्ट वाले बॉक्स में भी लिखना है, क्योंकि आपकी गुड्स जो है ओरिजिनली आपको विदाउट टैक्स कितने की पड़ी, 7600। अब आपको राजे दो तरह के टैक्स पड़े हैं, ठीक है? इनपुट CGST 6% पड़ा है और इनपुट SGST आपको 6% पड़े हैं। दोनों टैक्स 6% ऊपर वाला, 6% नीचे वाला। तो दोनों के दोनों आपने टैक्स जो है 7600 पे अप्लाई करने हैं, इसलिए इसका अमाउंट आ जाएगा 456। अब दोनों के दोनों टैक्सों को आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 8512। ये जो 8512 है, जो लास्ट में जो टोटल वाला कॉलम है वहाँ पे लिखना आपने सेम अमाउंट 8512। और जो टैक्स है, टैक्स वाला जितना भी अमाउंट आया 456 का, तो जो भी आपने टैक्स के कॉलम बनाए हैं इनपुट CGST और इनपुट SGST वहाँ पे ये क्या करोगे आप, पुट करोगे, राइट? तो देखिए इतना समझ आ रहा है आपको। अब राजे हमारी पहली ट्रांजैक्शन नोट हो चुकी है, तो पर्टिकुलर में हम लाइन लगाएंगे। इसके बाद जैन 15 को मेरे पास राजे नेक्स्ट सप्लायर है बजाज मिल्स।
नेक्स्ट सप्लायर है बजाज मिल्स। अब ये जो बजाज मिल्स है ये मनाली से है, बजाज मिल्स जो है ये मनाली से है। इसको भी हमने गुड्स वापस की है। इसको जो 30 मीटर्स सूट लेंथ, 30 मीटर सूट लेंथ वापस की है, और इसने ये जो रेट दिया है 1500 रुपये ईच मीटर का रेट दिया है, 1500 रुपये पर मीटर। तो 1500 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास यहाँ डिटेल में अमाउंट बने आने वाला है 45,000 का। इसके बाद राजे 10 ब्लैंकेट्स वापस किए हैं इसको, 10 ब्लैंकेट्स और एक ब्लैंकेट का रेट है 1200, एक ब्लैंकेट का रेट है 1200। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आने वाला है 12,000। अब आपने 45,000 और 12,000 को ऐड करना है तो आपके पास अमाउंट आएगा 57,000 का, राइट। अब जब 57,000 का अमाउंट आ गया तो राजे इसमें से आपने 25% जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, और 25% किसका करोगे, 57,000 का। जब आप 55,000 करोगे तो इसका ट्रेड डिस्काउंट निकलने वाला है 14,250। तो 14,250 जब आप इसको लेस करोगे तो आपके पास 42,750 का अमाउंट आने वाला है, 42,750, राइट। अब आपने इसमें ऐड करने हैं टैक्स, क्योंकि परचेज़ के टाइम पे आपको टैक्स लगे थे, तो जो सामान आप वापस कर रहे हो उसके ऊपर भी टैक्स लगेंगे। तो CGST टैक्स और SGST टैक्स, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको लगने वाले हैं दोनों 6-6%। तो यहाँ पे आपका टैक्स आने वाला है 2565, और नीचे वाला टैक्स भी 2565 आने वाला है, राइट। अब दोनों टैक्सों को आप ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 47,880। अब ये जो आपका टोटल अमाउंट आया है वो आपने इधर भी लिखना है लास्ट वाले टोटल वाले कॉलम में 47,880, और जो आपने टैक्स निकाले हैं 2565 वो आपने टैक्स वाले कॉलम में लिखने हैं 2565। तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्टी की जो ट्रांजैक्शन है वो नोट कर ली है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को समझते रहें, अभी हमारे पास दो पार्टीज और हैं, तो दो पार्टीज़ की भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अब आप दो पार्टीज़ की और रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद इसके लहजा तैयार करेंगे। और राजे मेरे पास डेट है 20 जैन 2020 को, आप जो गुड्स रिटर्न कर रहे हो वो है जी एस राठौर को आप सप्लाई कर रहे हो, जो कि चंबा का रहने वाला है। आपका सप्लायर जो है बेसिकली चंबा से है। अब आपने इसको क्या कुछ वापस किया, आपने इसको 10 जीन्स वापस की हैं, 10 जीन्स। तो आपकी जो पर पीस का रेट आपको दिया हुआ है 3000 ईच। आप 3000 की जीन्स है, जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटेल में आपका जो अमाउंट है 30,000 आने वाला है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, लेकिन आपको दो तरह के टैक्स लगने वाले हैं, सेंटर ग्रॉस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका 6% रेट है इसका। तो ये दोनों के दोनों 13,000 के ऊपर अप्लाई करोगे तो 1800 एक का आ जाएगा, 1800 इसका आ जाएगा। दीज टैक्स वुड बी एडेड इन 30,000, इनको ऐड करने के बाद यू विल गेट द अमाउंट 33,600, और ये वाला अमाउंट अगेन आपने टोटल वाले कॉलम में लिखना है 33,600,
और जो टैक्सेस के अमाउंट हैं जो आपको कॉलम दिए गए हैं, उन कॉलमों में आपने ये टैक्सेस अलग अलग शो करने हैं, राइट। अब इसमें और कोई बात नहीं है तो आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन पूरी होने के बाद पर्टिकुलर में लाइन लगाओगे आप। इसके बाद दविंदर सिंह ये आपका फोर्थ सप्लायर है और ये है न्यू दिल्ली से, देवेंद्र सिंह है न्यू दिल्ली से, और आपने इसको जो गुड्स वापस की है अगेन जैन 25 को की है। अब क्या कुछ वापस किया इसको आपने, ओनली 5 जैकेट्स वापस की हैं, 5 जैकेट्स वापस की हैं, और आप देख रहे हो कि जो जैकेट्स का रेट है वो 1000 पर पीस का है। आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट आने वाला है 5000, जो कि डिटेल वाले कॉलम में लिखना आपने, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपने दूसरी स्टेट से ख़रीदा था, ठीक है जी, क्योंकि जो दिल्ली है वो पंजाब के अंदर नहीं है, उसकी स्टेट दूसरी है, तब आपको टैक्स लगेगा जो IGST लगेगा, IGST। अब IGST में परसेंटेज दी हुई है आपको 12%। अब आप 5000 का 12% निकालोगे तो आपके पास टैक्स का अमाउंट आने वाला है 600। अब इनको ऐड करके आपके पास अमाउंट बनेगा 5600। अब ये वाला अमाउंट 5600 का आपने लास्ट वाला कॉलम जो है आपका वहाँ पे लिखना है, और 600 जो आपने IGST का कॉलम लगाया है उस पर लिखना है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है कि अलग अलग कॉलमों का क्या करना है, आपने टोटल लगाना है, राइट। अलग अलग कॉलम्स का क्या लगाना है, आपने टोटल लगाना है, ठीक है जी। और एक बात और याद रखनी है कि जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन में 5000 का डिस्काउंट अमाउंट है, आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 5000 को आपको कॉस्ट में भी लिखना है। इसी तरह थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने जींस खरीदी 30000 की, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 30000 को आपने कॉस्ट में भी लिखना है। और अगर आपको डिस्काउंट दी हुई है तो डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको कॉस्ट में लिखना है। अब आप कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो आप देखोगे कि 85000 और 350 का टोटल सामान आपने वापस किया है, उसकी ये कॉस्ट निकल आई है। और अगर आपने टैक्स पता करने की इनपुट CGST कितना लगा जो सामान आपने वापस किया उसके ऊपर, तो टोटल लगाओगे तो ये 4820 आ जाएगा, और इतना ही अमाउंट आपका किसका आ रहा है, इनपुट SGST का। और अगर आपने इनपुट IGST का पता करना है कि सामान जितना भी आपने वापस किया 3 पार्टियों को उस पर IGST कितना लगा, तो IGST का कॉलम का टोटल लगाओगे तो वो उसका अमाउंट आपको पता लग जाएगा। अब लास्ट कॉलम है हमारा टोटल, टैक्स वगैरह इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ी जो आपने सामान बेचा, तो ये 95,592 रुपीज़ की आने वाली है, 95,592। तो लास्ट वाले टोटल कॉलम को लगाओगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकलेगी टैक्सेस को इंक्लूड करके कि इतने रुपए का सामान आपने वापस किया, ठीक है जी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसकी लेजर प्रेपरेशन की बात करेंगे कि लेजर प्रेपरेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, आपको परचेज टर्म बुक का लेजर बनाने से पहले आपको एक एंट्री याद रखनी है कि जब भी आप गुड्स वापस करोगे तो आपके पास से गुड्स जाएगी, तो आपने क्रेडिट में क्या लिखना है, परचेज रिटर्न, तो आपने परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखना है, और डेबिट में किसका नाम लिखना है, सप्लायर का। अब सप्लायर का नाम डेबिट में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जब आप गुड्स वापस करोगे सप्लायर को तब आपके पास से गुड्स जाने वाला है, तो गुड्स होएगा क्रेडिट, लेकिन सप्लायर को अगर डेबिट कर रहे हो तो नेचुरली ये सप्लायर आपको कोई ना कोई रिसिप्ट दे रहा है। सप्लायर आपको कौन सी रिसिप्ट देगा, उसको बोलेंगे क्रेडिट नोट, आपके पास एक बिल आ रहा है क्रेडिट नोट का सप्लायर से, इसलिए आप किसको डेबिट कर रहे हो, सप्लायर को, और आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स हो रहा है क्रेडिट,
जैसे ही आप उसको डेबिट नोट देते हो सप्लायर को, आप उसे इन्फॉर्म करते हो कि मैंने आपको क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। आप सप्लायर को डेबिट कर रहे हो ना, इसीलिए जब आप सप्लायर को डॉक्यूमेंट दोगे जिसमें लिखा होगा कि आपने कौन कौन सा सामान खरीदा है, तो उसे बोला जाता है डेबिट नोट, जो कि उसको इस बात का एहसास करवाता है कि आप उसे क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको ये एंट्री याद है तो राजे क्वेश्चन बनना बिल्कुल आसान है, लेजर बनने बिल्कुल आसान है। मैं आपको दो लेजर बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हीरो प्रॉस का, आपकी पहली सप्लायर है जिसको आपने सामान वापस किया वो हीरो प्रॉस है। तो मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं मैं वो ड्रा कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले ड्रा किया पर्टिकुलर का, फिर डेबिट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर क्रेडिट का। इसके आगे डेट का कॉलम भी बनेगा और पर्टिकुलर के बाद एलएफ का भी बनेगा, आप चाहो तो वो बना सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट कॉलम है उनके थ्रू समझा रहा हूँ कि ये हीरो ब्रोस का अकाउंट्स कैसे बनेगा। तो हीरो ब्रोस कौन है, वो सप्लायर है। अब आप एंट्री में देखो कि सप्लायर को मैंने क्या कर रखा है, डेबिट। तो आपने डेबिट में उतना अमाउंट फिट कर देना है जितनी आपकी परचेज बुक बता रही है। परचेज बुक क्या बता रही है कि जो टोटल वाला कॉलम है उसमें लिखा है कि हीरो ब्रोस को 8512 का सामान आपने क्या किया, वापस किया। तो आप डेबिट में 8512 लिखोगे यहाँ पे डेबिट अमाउंट में। पर ये सारी जानकारी आपको किससे मिल रही है, परचेज रिटर्न बुक से। तो आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। आपको ऐसे परचेज रिटर्न बुक लिख देना है पर्टिकुलर में। तो इस तरीके से अगर आप बुक ना भी लिखना चाहो, परचेज रिटर्न लिख दो ओनली, परचेज रिटर्न, तो आपका ये अकाउंट्स बनके कंप्लीट हो गया है। आपकी जो सेकंड पार्टी है वो बजाज मिल्स है। आपकी सेकंड सप्लायर का क्या नाम है, बजाज मिल्स, बजाज मिल्स। अब ये जो बजाज मिल्स है नेचुरली है तो ये भी सप्लायर। तो जो मैंने ऊपर जनरल एंट्री की है मैंने उसमें आपको क्लियर कर दिया है कि जनरल एंट्री में देखिए सप्लायर को डेबिट किया गया कि क्रेडिट। अगर सप्लायर को डेबिट किया गया है तो आप डेबिट में पैसे लिखोगे, पैसे कितने लिखने हैं उसके लिए परचेज टर्न बुक में देखें टोटल वाला कॉलम। टोटल वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा कि आपने 47,880 का गुड्स वापस किया है इसको। पर ये कौन सी बुक को देखिए लेजर बना रहे हो, परचेज रिटर्न बुक को। तो आपने पर्टिकुलर में परचेज रिटर्न लिख देना है। तो राजे इस तरीके से ही बाकी पार्टीज के लेजर बनेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट लेजर और बता दूं, अगर आप परचेज रिटर्न अकाउंट की बात करोगे, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनाया जा सकता है। अगर आप परचेज रिटर्न अकाउंट की बात करोगे तब आपको पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर और क्रेडिट। तो आप एंट्री में देखें परचेज रिटर्न क्रेडिट है। तो राजे क्रेडिट में आपने क्या करना है, अपनी बुक का जो टोटल है, सारी बुक का टोटल 95,592 को आप लिखोगे, ठीक है जी। ये टोटल वाले कॉलम का एंड देखिए कितना है, टोटल सामान आपने इतना रिटर्न किया वो आप लिखोगे। इसे लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में आपको अलग अलग पार्टीज का नाम नहीं लिखना। ये आपने अलग अलग पार्टीज को सामान वापस किया है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब ही यही है कि इसमें बहुत सारी पार्टीज इंक्लूड हैं, आप उनका अलग अलग नाम लिखने की बजाय सन्ड्रीज वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है जी। तो एंट्री में परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो आपने पैसे भी लिखने हैं क्रेडिट साइड में, तो सारी पार्टीज का इसी तरह का अकाउंट्स बनेगा, ठीक है जी। एक आपको मैं लेजर बना के दिखा रहा हूँ टैक्स का, टैक्स का लेजर। तो मान लीजिए कि आप इनपुट CGST का लेजर बनाना चाहते हो, इनपुट CGST। तो आप पहले ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट। तो एक बात याद रखें, अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो आपको जो टैक्स है इनपुट वाला,
इनपुट CGST वाला वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज डेबिट होती है तो टैक्स भी डेबिट होते हैं, लेकिन जब आप ये रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होएगी और ये टैक्स भी क्रेडिट होएंगे। अगर रिटर्न के साथ में ये टैक्स क्रेडिट हो रहे हैं तो आप देखो कि इनपुट CGST आपका टोटल कितना है, तो ये 4821 है जो क्रेडिट हुआ है। अगर टैक्स क्रेडिट है जनरल एंट्री में तो आपने इनपुट CGST का कॉलम का टोटल देखना है और वह टोटल अमाउंट आपने लेजर की क्रेडिट साइड में डाल देना है, क्योंकि जनरल एंट्री में इनपुट CGST को क्रेडिट किया गया है। अब ये जो टैक्स है अलग अलग सप्लायर्स को लगा है, ये टैक्स अलग अलग सप्लायर्स को आपने वापस किया है, तो आप अलग अलग सप्लायर का नाम लिखने की बजाय यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं सन्ड्रीज, राइट। तो ऐसे ही आप इनपुट SGST और इनपुट IGST का बना सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट सेशन है, कोई डाउट है तो वो आप ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करोगे। तो राजे आपका होमवर्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन 12 आपने करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स रिटर्न बुक की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।